आदाब, जय हिंद। आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। बरसात और गांव। कई दिन से आसमान नज़र नहीं आया, न बादल फटा न धूप चमकी, पुरवा हवा लहक रही है, बादलों का दिल दल चला आता है, अंधेरा सा हो जाता है। गंगोर घटाएं चारों तरफ छाई हुई हैं, क्या छमछम मीना बरस रहा है। कभी मूसलाधार है, कभी नन्नी नन्नी फुहार है, जंगल में पानी पानी नज़र आता है, ये सब्ज़ा ले लहाता है। ताल तल्लियाँ झीलें मीना मुँह लबरेज है, मुर्गाबियाँ तैर रही हैं, कोई बाजू फड़फड़ाती है, कोई डुबकी लगाती है, बगला चुपचाप पर समेटे मछली या मेंढक की ताक में खड़ा है। सारस कह कह करता है तो सारा जंगल गूंज उठता है, नाला किनारों से उबल जाता है, पानी मोजे मारता है, बल खाता शोर मचाता चला जाता है। धानों के खेत पानी का तख्ता बन गया है, धान में डूबने ही से जान आती है, उसका डूबना किसान की तैरना ईक भी ले रहा रही है, उंगलों रोज बढ़ती है, बाड़ी ज्वार बाजरा मकई सब जोरों पर है, मगर इनको ज़्यादा पानी मुआफ़िक नहीं। इसी वास्ते किसान ने खेत के मेंढ काट कर पानी के निकास का रास्ता बना दिया है। नज़्म मालिक, घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई, जमी सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल हैं और अजब फूल फल, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है, ये दो दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया, जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा, हजारों कुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। बागों में अजब बहार आ रही है, दरख्तों का पत्ता पत्ता धुल गया है, क्या निखरी हुई सब्जी है, मोर घने पत्तों की डालियों में छुपे बैठे हैं, जब बिजली चमकती है और बादल गरजता है तो यकृगी सब चीख उठते हैं, कोयल भी क्या प्यारी आवाज़ से कोकती है, अभी बाग के इस कोटती अभी उधर जा बोली, तोता भी चुपके चुपके आम कुतर रहा है, ज़रा खटका हुआ और उनकी डार फुर से उड़ी, आमों की डालियां मारे बोझ के झुक पड़ी हैं, टपका चू रहा है, पके पके रसीले आम सुर्ख जर्द सिंदूर या टपक रहे हैं, ये गिरा टॉप वो गिरा टप, मैदान में गायें भैंस चर रही हैं मगर भीगी जाती हैं, उनके पाँव तले हरियोल है, सामने कटोरा सा ताल है, बस्ती से जंगल में खुशी है, घर पर बंधी रहती तो मक्खी और मच्छरों के मारे सड़ासड़ दुम हिलाती, फिर भी ये चैन से ना पाती, ये मौजी जानवर इनका खून पीते और सुस्ताते फिर सताते और सताते फिर पर सताते, अब मज़े से नहा रही हैं, जंगल की हवा खा रही हैं, गवाला कंबल ओढ़े लठ लिए पास खड़ा है, किसी को गले से बिछड़ने नहीं देता, जो जो मीना बरसता है किसानों का दिल हरा होता है, ढूंढ अंकार के लिए चारे की अफरात है, बिन सींचे खेती बढ़ती है, मीना का दिन उनके लिए तातील का दिन है, यानी छुट्टी, या चादर तान कर सोते हैं या चौपाल में आकर जमा होते हैं। तो ये बरसात से मुतालिक था, चलिए अल्फाज वाली देखते। बरसात और गांव। लबरेज भरा हुआ पुर, मौज लहर उमंग, मुआफ़िक मुनासिब बेहतर, मौजी तकलीफ देने वाला, माजरा हालत किस्सा, चटियल साफ गिला गल्ला रेवड़, अफराद ज्यादती तातील छुट्टी। उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी, अगर अब भी उर्दू पढ़ने में परेशानी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में बेसिक वीडियोस कायदे की ज़रूर देखें। शुक्रिया।